हेलो गाइस, आज से क्लास टेंथ का टर्म टू का सिलेबस शुरू कर रहा हूँ। इस टर्म टू के सिलेबस के हिसाब से आपको साइंस में कुछ चैप्टर पढ़ने और कुछ चैप्टर मैथ्स के पढ़ने। तो यहाँ पे हम साइंस के छोटे छोटे लेक्चर बना करके आपके सामने रखूंगा, जिससे आप डेली अगर थोड़ा थोड़ा देख लेके तो साइंस कंप्लीट हो जाएगा। तो आज टर्म टू का शुरुआत कर रहे हैं, टर्म टू, और किससे शुरुआत करेंगे? साइंस से। और साइंस में भी पढ़ने वाले सबसे पहले केमिस्ट्री, साइंस में भी सबसे पहले केमिस्ट्री वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं। इस केमिस्ट्री में हमारा टर्म टू का जो सिलेबस होता है वो है चैप्टर फोर, और इस चैप्टर फोर में आपको पढ़ना है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो आज हम जो भी चीज डिस्कस करने वाले हैं वो इसी चैप्टर यानी कि कार्बन इस कंपाउंड चैप्टर से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज हम इस चैप्टर का कुछ बेसिक नाम लिखना सिर्फ सीखेंगे। नेम इस चैप्टर में कैसे कैसे पढ़ने हैं आपको, इस नाम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं कुछ बेसिक सा आइडिया बताऊंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि इसका बेसिक नेम क्या क्या हो सकता है, इस चैप्टर से नेम से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले नेम जानने के लिए एक वर्ड समझना हो, हाइड्रोकार्बन। एक वर्ड होता है हाइड्रोकार्बन। तो ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है? वो कंपाउंड, दैट कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बना होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आई थिंक ये बात आपके समझ में आ गया होगा, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, यानी कि वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो। अब ये हाइड्रोकार्बन होता है क्या है ये तो मैं समझ गया, लेकिन हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं। हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, एक सैचुरेटेड होते हैं और एक अनसैचुरेटेड होते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम सिर्फ आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में बताएंगे और इसका नाम लिखना सिखाएंगे और क्या क्या होता है। तो अब तक मैंने सिर्फ एक वर्ड आपको सिखाया है कार्बन इस कंपाउंड में कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है और ये कितने तरह का होता है। ये दो तरह का होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं इसका एक और नाम होता है, अदर नेम कह सकते हैं, अदर नेम या फिर कह सकते ऑल्सो नोन एज, या तो अदर नेम कह दीजिए या ऑल्सो नोन एज कह दीजिए, एक ही बात है। इसी को एल्केन कहा जाता है। तो यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है एल्केन का, एल्केन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात यह है इसमें सफिक्स यूज किया जाता है। आप लोग इंग्लिश में पढ़ते सफिक्स क्या होता है, तो सफिक्स ए एन ई एन होता है इसमें, सफिक्स इसका क्या होता है, एन होता है। और एल्केन का फॉर्मूला कुछ होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी एन एच टू एन प्लस टू, यानी एल्केन का फॉर्मूला सी एन एच टू एन प्लस टू होता है। यानी कि यहां पे हाइड्रोजन जो होता है कार्बन के डबल से भी दो ज्यादा होता है, कार्बन जितना होगा इसके डबल से दो ज्यादा हाइड्रोजन होता है, ये एल्केन का फॉर्मूला है। लेकिन ये सब तो तब यूज होगा जब हम इस फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ नाम लिखेंगे। तो चलिए नाम लिखना बता रहे हैं। ये एल्केन में एन वर्ड होता है तो एन वर्ड हमारा सफिक्स है, ये याद रखेंगे। चलिए कुछ नाम लिखते हैं, उस नाम से रिलेटेड कुछ बात को सिखाते हैं आपको। तो देखिए जरा, एक कार्बन का नाम होता है, अगर एक कार्बन हो कहीं पर इसको मेथ कहते हैं, दो कार्बन कहीं पर होता है तो इसको एथ कहते हैं, तीन कार्बन के लिए प्रॉप कहते हैं, चार कार्बन के लिए ब्यूट कहते हैं, पांच कार्बन के लिए पेंट कहते हैं, छह कार्बन के लिए हेक्स कहते हैं। एनसीईआरटी में तो इतना ही नाम लिखा हुआ है, लेकिन इन फ्यूचर आपको थोड़ा और याद रखना होगा। सात कार्बन के लिए हेप्ट कहते हैं, आठ कार्बन के लिए ऑक्ट कहते हैं, नौ कार्बन के लिए नोन कहते हैं और दस कार्बन के लिए डेक कहते हैं।
तो ये आपको 10 तक की काउंटिंग, अगर एक कार्बन होगा तो आप एक कार्बन वाले का नाम मेथ कह देंगे, दो कार्बन वाले का नाम एथ कह देंगे, तीन कार्बन का नाम प्रॉप कह देंगे, ऐसे चार कार्बन के लिए ब्यूट, पांच के लिए पेंट, छह के लिए हेक्स, सात के लिए हेप्ट, आठ के लिए ऑक्ट, नौ के लिए नॉन, दस के लिए डेक। तो आपको ऐसे ही सेम टू सेम याद करने होंगे। और अब हम इस 10 से रिलेटेड कई सारे अनगिनत नाम आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे और उन सारे नेम्स को हम धीरे धीरे करके सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एल्केन ग्रुप का नाम लिखना सीखते हैं। एल्केन के क्या क्या नेम हो सकते हैं, तो हम यहां पे सीरियल नंबर लिख लेते हैं। यहां पे कार्बन कितना होगा, एक कार्बन, तो क्या नाम बनेगा। यहां पे फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, फॉर्मूला यानी कि CnH2n+2 से, है ना। उसके बाद इसका नाम क्या बनेगा, इसका नेम हम इधर लिखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर कार्बन का नंबर एक हो तो यहां पे एक रखेंगे, C1H2 + 2 = 4 CH4, यानी ये वन लिखा नहीं जाता है। अब एक कार्बन है, एक कार्बन का नाम होता मेथ, और AnEn इसका सफिक्स है, तो मिथेन इसका नाम हो गया मिथेन। ऐसे अगर दो कार्बन है तो एन की जगह क्या रखेंगे, 2 C2 2 × 2 + 2 ये हो गया 4 + 2 यानी कि 6 C2H6। दो कार्बन का नाम होता है एथ, दो कार्बन का नाम होता है ETH, और AnEn सफिक्स लगाना, इथेन, तो दो कार्बन का नाम हो गया। ऐसे अगर तीन कार्बन हो तो क्या लिखेंगे, C3, तो यहां पे एन की जगह 3 रख दिया, 2 × 3 + 2 2 × 3 = 6 और 2 = 8 यानी कि H कितना हो जाए, 8 हो जाएगा। इसका क्या नाम हो, तीन कार्बन का नाम होता है प्रॉप, और AnE लगाना तो क्या नाम बन जाएगा, प्रोपेन। ऐसे ही चार कार्बन के लिए कितना होगा, C4H10 तो नाम बनेगा ब्यूटेन। पांच कार्बन के लिए क्या बनेगा, C5H12 क्या नाम बनेगा इसका, पेंटेन। सभी के लास्ट में AnE लगाना है, एन, है ना, जो हमारा नंबर था, कार्बन का नाम था नंबर के हिसाब से, उसके आगे एन लगा देना है खाली। अगर छह कार्बन होगा तो C6H14 हेक्सेन। तो एनसीईआरटी में तो यहीं तक का नाम लिखा हुआ है, लेकिन चलिए एक और लिखते, सात कार्बन के लिए C7H16 हेप्टेन। ऐसे ही आठ कार्बन के लिए क्या नाम हो जाएगा, ऑक्टेन। नौ कार्बन के लिए नोनेन, और दस कार्बन के लिए क्या नाम हो जाएगा, डेकेन। तो ये आई थिंक आपको नाम लिखना समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कुछ और बात अभी सीखेंगे, ये नाम आप लोग पॉज करके नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इस साल एग्जाम में आपके आने के चांसेस हैं। चलिए कुछ और बात देखते हैं। इस चैप्टर में दो तीन चीज हमेशा लगातार करते चलना है साथ में, और वो ये है कि एक तो नाम लिखना सीखना है, उसके बाद हर एक फॉर्मूला के लिए, हर एक अलग अलग फॉर्मूला के लिए आपको बॉन्ड स्ट्रक्चर लिखना है। हर एक फॉर्मूला के लिए आपको बॉन्ड स्ट्रक्चर लिखना है, चाहे जो भी फॉर्मूला आप लिख ले, सबका बॉन्ड स्ट्रक्चर लिखना है और सबका डॉट स्ट्रक्चर भी। आज फिलहाल मैं आपको सिर्फ बॉन्ड स्ट्रक्चर लिखना सिखाऊंगा, डॉट स्ट्रक्चर इंशाल्लाह कल सिखा देंगे, ठीक है। तो आज पहले सीखते हैं बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसे मैंने बोला CH4 क्या नाम होता है, मिथेन। इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन के पास याद रख लीजिए चार बॉन्ड होते हैं, एक कार्बन के पास चार बॉन्ड, ये जो लाइन है ना, ये लाइन ही बॉन्ड है आपका, तो इधर इधर हाइड्रोजन लिख दीजिए, तो ये मिथेन का स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, लेकिन आपको जब भी कहेगा बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाने के लिए, आप ऐसा ही बनाएंगे तो बन जाएगा और वो आपको कंप्लीट मार्क्स देगा, ठीक है। अच्छा, ये बॉन्ड स्ट्रक्चर कई बार एग्जाम में आ चुके हैं इसलिए मैं बना रहा हूं। तो मिथेन का बॉन्ड स्ट्रक्चर हो गया, ऐसे ही आप बना सकते इथेन का बॉन्ड स्ट्रक्चर। इथेन का फॉर्मूला देखिए, AnE है तो एल्केन हो गया, C2H6 एथ है, एथ में दो कार्बन एटम होते हैं और ये डबल से भी ज्यादा होता है, तो यहां पे देखिए दो कार्बन है, दो कार्बन है। तो हमेशा मैंने बताया हर कार्बन के चार बॉन्ड होते हैं, इस कार्बन के एक बॉन्ड तो यहां पे हो गए, दो तीन चार, इस कार्बन के भी एक बॉन्ड यहां पे हो गए। ये जो बॉन्ड है ना, ये दोनों ही कार्बन का है, इस कार्बन का भी और इस कार्बन का भी, तो इसके एक बॉन्ड हो गए,
दो तीन चार, अब सब तरफ एच लिख देंगे, ये हो गया सी टू एच लिख देंगे, कौन की हाइड्रोजन छह हो गया और कार्बन दो हो गया। आपको इसमें एक और चीज पूछा जाता है, काउंटिंग ऑफ बॉन्ड करता है, यानी कि टोटल बॉन्ड कितने ये बताइए। तो देखो एक दो तीन चार पांच छ सात, तो इसमें टोटल सात बॉन्ड है, तो आपको काउंट करना है कि इसमें टोटल कितने बॉन्ड है। तो आप इसी तरह से वन टू थ्री फोर काउंट कर लीजिएगा, तो काउंट करके पता चल जाएगा कितने बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ऐसे ही चलिए एक और फॉर्मूला लिखते हैं, मिथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन का बनाएंगे बॉन्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रोपेन चेक करते हैं प्रोपेन का क्या होना है। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, सी थ्री एच एट होता है, कितने कार्बन, तीन कार्बन, इस कार्बन के एक बॉन्ड हो गए दो तीन चार, इस कार्बन के एक दो बॉन्ड हो गए तीन चार, इस कार्बन के एक बॉन्ड हुए तीन चार, ऐसा हो गया। अब इस पर रख दीजिए सब में एच एच, ये हो गया प्रोपेन का। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रक्चर कंप्लीट। टोटल बॉन्ड कितने इसमें, तो देखते हैं एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, टोटल बॉन्ड कितने हो गए, दस बॉन्ड हो गए। इस फॉर्मूला को एक और तरीके से लिखा है, देखिए इस कार्बन के पास तीन हाइड्रोजन है तो हम लिख सकते हैं सी एच थ्री, फिर इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन सी एच टू, फिर इस कार्बन के पास तीन हाइड्रोजन सी एच थ्री, तो ये ऐसा भी लिखा जा सकता है ना, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो प्रोपेन हो गया, ऐसे चलिए एक और नाम लिखते हैं ब्यूटेन का। ब्यूटेन फॉर्मूला सी फोर एच टेन, तो यहां पे चार कार्बन एक दो तीन चार, अब इस कार्बन के एक ही बॉन्ड है एक दो तीन और हो गया, इस कार्बन के दो बॉन्ड है दो और हो गए, इस कार्बन के भी दो बॉन्ड है दो और हो गए, इस कार्बन के एक ही बॉन्ड है तो तीन और चाहिए, तो सब तरफ एच एच लिख देंगे सब तरफ, ये हो गया। ये हो गया टोटल ब्यूटेन का फॉर्मूला बनके तैयार, बॉन्ड स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया। ठीक है, अब इसमें टोटल बॉन्ड काउंट करने हैं, कितने हो गए, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, टोटल बॉन्ड कितने हो गए तेरह। अब इसी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, इस कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन सी एच थ्री लिखेंगे, फिर इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन सी एच टू लिखेंगे, इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन सी एच टू लिखेंगे और इस कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन सी एच थ्री लिखेंगे, यानी कि ब्यूटेन लिखने का ये भी एक तरीका है, इस तरह से भी ब्यूटेन लिखा जा सकता है। ऐसे चलिए एक और लिखते हैं पेंटेन का। पेंटेन फॉर्मूला सी फाइव, पेंटेन में पांच होता है और एच फाइव टू या टेन, टेन और टू ट्वेल्व हो गया, तो कितने कार्बन, पांच कार्बन, ये हो गया पांच कार्बन। अब इस पे कैसे, कितने बॉन्ड चाहिए, तीन दो तीन हो गया, इस पे एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, अब सत्र फैच लिख देंगे, तो इस तरह से एंड पॉइंट पे आपको एच लिखना होता है। तो बॉन्ड स्ट्रक्चर आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कैसे निकालते हैं। टोटल बॉन्ड काउंट कीजिए, इसमें टोटल कितने बॉन्ड है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, हाइड्रोजन के टोटल बारह बॉन्ड हो गए, अब कार्बन के तेरह चौदह पंद्रह सोलह, तो टोटल कितने बॉन्ड हो गए, सोलह बॉन्ड हो गए। ठीक है, अब इसमें इसी को दूसरा तरीका कैसे लिखेंगे, सी एच थ्री फिर सी एच टू फिर सी एच टू फिर सी एच टू और फिर सी एच थ्री, तो पेंटेन लिखने का दो तरीका हो गया। तो यहां पर पेंटेन का हो गया बॉन्ड स्ट्रक्चर। ऐसे ही आप खुद से एक, चलो मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, एक क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे और इसे कॉपी पे खुद से ड्रॉ करना है, और वो किसका करना है, हेक्सेन का, हेक्सेन का बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना है आपको, और दूसरा जो मैं फॉर्मूला लिखता हूं वो लिखना है आपको, तीसरा तीसरा क्या लिखना है आपको, इसमें कितने बॉन्ड होते हैं वो पता करना है। तो हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है, सी सिक्स एच फोर्टीन होता है हेक्सेन का फॉर्मूला। तो इस हेक्सेन के लिए आपको तीन चार चीज लिखना है, टोटल कितने बॉन्ड होते हैं ये काउंट करना है। अच्छा, इसको लिखने का तरीका कैसा होता है, सी एच थ्री
CH2 एक दो तीन चार पांच कार्बन हो गया और लास्ट वाले के साथ CH3 आ गया। अब इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर आपको बनाना है, तो इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर आपको खुद से बनाना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, कल जब हम आएंगे आपके पास तो हम आपको इसमें एक और चीज बताएंगे, डॉट स्ट्रक्चर। वो डॉट स्ट्रक्चर कैसा होता है कल डिस्कस करेंगे, और फिर कल हम एल्केन के बारे में यानी कि हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करेंगे। तो आज ये 6 नाम आपने सीखा, आप चाहो तो 10 तक का लिख सकते हो, 10 तक का नाम लिखना, 10 तक का फॉर्मूला लिखना, 10 तक का बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना। इसे एक दो बार खुद से जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बेहतर ज्यादा समझ में आएगा, कोशिश करना एक दो बार खुद से बनाने का। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, कल मिलते हैं, बाय बाय।